नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। ये प्रीमियम क्लास का ही हिस्सा है। पहले क्लास में हमने बताया था कि आप हमारे प्रीमियम क्लास को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कितना मूल्य होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे केवल वही लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का पूरा वीडियो देख पाएंगे और PDF प्राप्त कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। दो डेमो वीडियो YouTube में फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पहला वीडियो YouTube में अवेलेबल करा दिया गया है और ये दूसरा वीडियो है, ये भी अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको पेड क्लास कैसा लगा, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल और बौद्ध काल। इन सब टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले क्लास में हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया था। शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या अस्तित्व था ये हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जीवन के कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं आज तक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यतावासी कभी विंध्याचल पर्वत को पार नहीं कर पाए। तो देखिए, ये भारत का मैप है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः इस रीजन में रहते थे, ठीक है, और ये विंध्याचल पर्वतमाला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कभी इस पर्वतमाला को पार करके छत्तीसगढ़ नहीं आए। तो ये जो लाइन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ मैं आपको और बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी लाइन में रखना है। यद्यपि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता समापन की ओर थी, उस समय सरस्वती नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके कारण वहाँ के लोग दक्षिण की ओर चले गए थे। उनमें से कुछ शायद छत्तीसगढ़ में आकर बसे होंगे, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। महानदी के किनारे प्राचीन बंदरगाह के कुछ प्रमाण मिले हैं, जिससे लगता है कि उस समय महानदी में नौ परिवहन होता होगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की याद दिलाती है। तो ये जो सारी बातें हैं वो एक तर्क ही है। ये ही इम्पोर्टेंट है कि कोई प्रमाण नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्यों? क्योंकि विंध्याचल पर्वत को पार करके कभी आए ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैदिक काल। इस काल का मुख्य स्रोत वेद एवं अन्य वैदिक ग्रंथ को माना जाता है। भारतीय इतिहास में 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का काल वैदिक काल कहलाता है और इस काल को दो भाग में विभाजित किया जाता है। तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या इस काल का अस्तित्व रहा था, ठीक है। ऋग वैदिक काल पहला है और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। पहले हम देखते हैं ऋग वैदिक काल। इस काल के बारे में जानकारी किससे मिलता है? ऋग्वेद से। इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल कह दिया जाता है। इस काल में आर्य केवल सप्त सैंदव प्रदेश, कहाँ से कहाँ? कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग तक। कश्मीर यहाँ पर है, इसके मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल के उत्तरी भाग। ऋग वैदिक काल में जो लोग थे आर्य, यहीं तक सीमित थे। इस काल के साहित्य में विंध्याचल पर्वत, समुद्र, नर्मदा नदी आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग वैदिक काल, इन दोनों में सिंधु छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। अब अगला है उत्तर वैदिक काल। ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार अगस्त ऋषि के सानिध्य में, ऋषि का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, अगस्त ऋषि के सानिध्य में दक्षिण भारत की ओर हुआ था। इस बात की पुष्टि विभिन्न वैदिक ग्रंथों से हुई। इस तरह आर्यों का प्रसार छत्तीसगढ़ में भी हुआ, ठीक है। अब आर्य जो है दक्षिण की तरफ आने लगे अगस्त ऋषि के सानिध्य में। कौशिकी उपनिषद, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, कौशिकी उपनिषद, इस उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है डायरेक्ट कि किस उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा कौशिकी उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसको भी आपको नाम याद रखना है, इसमें समुद्र का वर्णन मिलता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से किस ग्रंथ में विंध्याचल का उल्लेख मिलता है, किसमें समुद्र का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें समुद्र का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा नदी के रूप में मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक साहित्य काल में नर्मदा नदी का जो उल्लेख है वो रेवा नदी के रूप में मिलता है। तो याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब अगला है
महाकाव्य काल, इस काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, रामायण काल, रामायण को किसने लिखा था, वाल्मीकि, एवं महाभारत काल, महाभारत को किसने लिखा था, वेदव्यास। पहले हम देखेंगे रामायण काल। वाल्मीकि रामायण में छत्तीसगढ़ के वनों का वर्णन मिलता है, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है उसमें छत्तीसगढ़ के वन के बारे में वर्णन है। पौराणिक काल का कोशल प्रदेश बाद में उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल नाम से दो भागों में विभक्त हुआ था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोशल का हिस्सा था, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को क्या नाम से पुकारा जाता था रामायण काल में, दक्षिण कोशल, छत्तीसगढ़ दक्षिण कोशल का हिस्सा था। उस समय उत्तर कोशल की राजधानी साकेत अयोध्या था एवं दक्षिण कोशल की राजधानी श्रीपुर था। देखिए अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता होगा हम मैप में एक एक चीज़ पढ़ते हैं ताकि सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाए, तो मैं मैप में आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आगे कहते हैं कि राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने वाले श्रृंगी ऋषि धमतरी के पास सिहावा में रहते थे, जहाँ महानदी का उद्गम हुआ था। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि के कमंडल के गिर जाने से महानदी का जन्म हुआ था। ठीक है, वनवास के समय राम यहाँ आए थे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी उस समय चित्रोत्पला कहलाती थी, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नदी का उल्लेख मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा ब्रह्म पुराण में है। तो जो जो चीज़ बोल्ड में है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तर कोशल नरेश दशरथ का विवाह, तो हम मैप से भी पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। उत्तर कोशल नरेश कौन थे, दशरथ, ये श्री राम के पिताजी थे। दशरथ का विवाह दक्षिण कोशल नरेश भानुमन की इकलौती पुत्री कौशल्या से हुआ था। देखिए यहाँ पर उत्तर कोशल है और यहाँ पे दक्षिण कोशल। उत्तर कोशल की राजधानी साकेत या अयोध्या थी, राजा से दशरथ। दक्षिण कोशल की राजधानी श्रीपुर या सिरपुर थी, राजा थे महाकौशल। इनके पुत्र का नाम था भानुमन और भानुमन की केवल एक पुत्री थी कौशल्या। इनका विवाह दशरथ से हुआ था और दशरथ और कौशल्या दोनों के बेटे कौन थे, राम। आगे हम पढ़ते हैं, चूंकि भानुमन का कोई पुत्र नहीं था इसलिए दक्षिण कोशल राज्य राजा दशरथ को प्राप्त हो गया। यह क्षेत्र श्री राम का ननिहाल था इसलिए राम को छत्तीसगढ़ का भांजा कहा जाता है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में भांजा को भगवान की तरह पूजा जाता है। मामा भांजा का पैर छूते हैं, ठीक है, जो मामा होते हैं वो भांजा के पैर छूते हैं, क्यों, भांजा में हम श्री राम को देखते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में श्री राम का काफ़ी महत्व है। राम के पश्चात उत्तर कोशल का राज्य उनके ज्येष्ठ पुत्र लव को तथा दक्षिण कोशल का राज्य कनिष्ठ पुत्र कुश को मिला था। देखिए राम के दो बेटे थे लव और कुश, तो लव को क्या हुआ, उत्तर का जो राजधानी था ये मिल गया, उत्तर का एरिया मिल गया, और दक्षिण कोशल का एरिया किसे मिला, कुश। ठीक है, दक्षिण कोशल की राजधानी श्रावस्ती कुश के नाम पर कुशस्थली के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण कोशल की जो राजधानी थी सिरपुर, इसे ही हम कुशस्थली के नाम से जानते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ के राजा कौन थे, श्री राम के पुत्र कुश। हरि ठाकुर ने अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ गाथा में छत्तीसगढ़ को वेद काल जितना प्राचीन बताया है। महारानी कौशल्या का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर रायगढ़ बिलासपुर की सीमा पर कोसीर ग्राम में है। कौशल राज्य में बहुत से ऋषि थे जैसे कि श्रृंगी, अत्रि, अगस्त, मतंग, मांडकर्णी, सर्भंग और सुतीक्ष्ण। श्रृंगी ऋषि का विवाह राजा दशरथ की पुत्री शांता से हुआ था, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा स्टोरी पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, श्रृंगी ऋषि का विवाह राजा दशरथ की पुत्री शांता से हुआ था जिसे अंग के राजा लोमपाद ने गोद लिया था। श्री हरि ठाकुर ने अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ गाथा में लिखा है कि अत्रि मुनि का आश्रम अतरमगढ़ा में रहा होगा, ये कहाँ पे था एग्जैक्टली तो ये मुझे भी नहीं पता, मढ़हा मठ का अपभ्रंश है, इस नाम का एक गांव धमतरी तहसील में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कहाँ पर है, धमतरी तहसील में। छत्तीसगढ़ में वैद्यराज सुदेशण रहते थे जिन्होंने संजीवनी बूटी का पता बताया था। अमरकंटक पर्वत से सिहावा पर्वत तक की पर्वत श्रेणियाँ
रिच पर्वत के नाम से जानी जाती थी, संजीवनी बूटी गंध मादक पर्वत पर मिली थी जो रिच पर्वत का अंग था। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम छत्तीसगढ़ में ही था, वह आश्रम तुरतुरिया गांव में था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम अभी भी कहाँ है? तुरतुरिया गांव में है। इसी आश्रम में उन्होंने रामायण की रचना की थी। निर्वासन काल में सीता भी तुरतुरिया में इसी आश्रम में रहती थी और इसी आश्रम में लव और कुश का जन्म भी हुआ था। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में दो गुफाएं हैं जहां सीता निवास करती थी, नाम है उसका सीता बेंगरा, और जहां लक्ष्मण निवास करते थे वो है लक्ष्मण बेंगरा। ये कहां पर है? रामगढ़ की गुफा में। तो इसको भी मैं मैप में आगे आपको दिखाऊंगा। रामगढ़ की पहाड़ी की चित्रकारी किस रंग की थी? गेरवे रंग की थी, जिसमें पशु पक्षी के साथ साथ मानव के जीवन की अभिव्यक्ति की गई है। सीता कुंड ये सरगुजा में है, जिस कुंड में सीता स्नान करती थी। लक्ष्मण खोह, खोह का मतलब होता है पाँव का निशान, सरगुजा में है ये, जहाँ लक्ष्मण के पाँव के निशान हैं। खरोद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरोड में लक्ष्मण ने भगवान शिव की पूजा की थी 1 लाख चावल के दाने गड़ाकर। तो उस शिवलिंग में आज भी छिद्र हैं। ठीक है, वो दाने जो चावल गड़ाए थे इन्होंने, तो उसके छिद्र आज भी दिखाई देते हैं। उसी को लक्ष्मणेश्वर, लखणेश्वर या लाखाछार मंदिर कहा जाता है। शिवरी नारायण, सबरी माँ का आश्रम, जिन्होंने राम को जूठे बेर खिलाए थे। मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि के कमंडल गिरने से महानदी का जन्म हुआ था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दंडकारण्य देखेंगे, दंडक राक्षस का नगर था। राम ने वनवास का अधिकतम समय यहीं बिताया था। पंचवटी ये कांकेर में है, सीताहरण से संबंधित है ये। खरोद राक्षस खरदूषक का शासन था यहाँ पे, और भगवान राम ने इसका वध किया था। अब इस सब जगह को हम मैप में देखेंगे, उससे पहले आप इमेज देख लीजिए। ये खरोद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, शिवरी नारायण का ये मंदिर है, सीता बेंगरा, रामगढ़ की पहाड़ी, ये सब आप इमेज में आप देख सकते हैं। अब हम मैप में समझेंगे। पंचवटी देखिए कांकेर में है, पंचवटी सीतारण से संबंधित है। ठीक है, जांजगीर चांपा में खरोद खरदूषक राक्षस का वध राम ने किया था, और खरोद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। शिवरी नारायण भी जांजगीर चांपा जिले में है, सबरी माता का आश्रम है। शिवरी नारायण को विष्णु कांची भी कहा जाता है। तुरतुरिया ये बलौदा बाजार में है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, लव कुश का जन्म स्थान है। सिहावा धमतरी जिले में, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है ये। राम झरना ये अभी रामायण कालीन स्थल है, और ये रायगढ़ में है। अब हम सरगुजा जिले की बात करेंगे। यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा है, किष्किंधा बाली वध से संबंधित है, ये भी सरगुजा में है। सीता कुंड सरगुजा में है, लक्ष्मण खो ये सब जो है सरगुजा में ही है। दंडकारण्य जो लगभग बस्तर संभाग है रामायण काल में, इसको हम दंडकारण्य, आरण्य मतलब वन होता था, तो दंडक राक्षस का ये जो क्षेत्र था आर्य मतलब हो गया वन, इस तरह दंडकारण्य ये कहलाता था। ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे। अब हम देखेंगे महाभारत काल के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कोशल या कहीं कहीं कोशल भी लिखा गया है, तथा बस्तर के लिए कांतार शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए प्राक कोशल, बस्तर के लिए कांतार। महाभारत काल में है वंश के राजा मयूरध्वज रायपुर में शासन करते थे, वे बहुत ही पराक्रमी और दानी थे। उनके पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। हरि ठाकुर ने अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ गाथा में लिखा है कि छत्तीसगढ़ का श्रीपुर पहले मणिपुर के नाम से जाना जाता था। वहाँ के राजा चित्रांगद थे, जिनकी पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन से हुआ था। चित्रांगदा के बेटे का नाम बब्रुवान था। तो ये सब भी हम आगे मैप में देखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा स्टोरी सुनिए। बब्रुवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। अर्जुन और बब्रुवान के बीच घोर युद्ध उसके बाद हुआ था, जिसमें अर्जुन पराजित हुए थे और घायल हो गए थे। फिर चित्रांगदा ने अर्जुन की सेवा की और उन्हें ठीक कर दिया। इसके बाद बब्रुवान को पता चला कि अर्जुन उनके पिता हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख महाभारत कालीन स्थल हम देखेंगे। खल वाटिका या खल्लारी इसको हम कहते हैं, जो कि महासमुंद जिला में है। यहाँ पे क्या मिला? लाक्षागृह के साक्ष्य मिले। लाक्षागृह महाभारत कालीन में ये बनाया गया था, पांडवों को मारने के लिए एक लकड़ी का घर बनाया गया था। ठीक है, दुर्योधन के द्वारा, इसे लाक्षागृह कहते हैं। इसके साथ साथ भीमखो मिला है, चित्रांगदपुर इसे
आप सिरपुर भी मान सकते हैं अभी का, ये महासमुंद जिला में है। अर्जुन की पत्नी चित्रांगद यहाँ की राजकुमारी थी। भांडेर ये अभी का आरंग है, ये रायपुर में जिला में स्थित है। मोरध्वज की राजधानी मणिपुर अभी का रतनपुर बिलासपुर जिला में है। ताम्रध्वज की राजधानी गुंजी ये जांजगीर चांपा में है। ऋषभ तीर्थ ये प्रथम जैन तीर्थकर थे, कपाट द्वार सरगुजा में है। महाभारत कालीन ये स्थल है। और भीमा तालाब जो कि जांजगीर में है, संभवतः ये भीम से संबंधित है। मैप में अब हम एक बार देख लेते हैं, जांजगीर चांपा गुंजी ऋषभ तीर्थ जैन प्रथम तीर्थकर जो थे, मणिपुर जिसे रतनपुर के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रध्वज की राजधानी। ठीक है, देखिए रतनपुर में ये जो त है, त से हो गया ताम्रध्वज, क्योंकि आप ताम्रध्वज और मोरध्वज इसमें कन्फ्यूज होंगे कि आरंग ताम्रध्वज से संबंधित था या मोरध्वज से, तो त रतन त जो आया वो ताम्रध्वज। ठीक है, आरंग और भांडेर ये रायपुर जिला में है, तो मोरध्वज की राजधानी आरंग या भांडेर, ठीक है, और ताम्रध्वज की राजधानी रतनपुर। कपाट द्वार महाभारत कालीन स्थल है सरगुजा जिले में। ये जो दोनों है ये महासमुंद में है, खलवाटिका और चित्रांगदपुर। तो खलवाटिका में मैंने आपको बताया था कि भीम खो और लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं। सिरपुर में अर्जुन की पत्नी चित्रांगद यहाँ की राजकुमारी थी। ठीक है, चित्रांगदा यहाँ की राजकुमारी थी, इसलिए इसको चित्रांगदपुर भी कहा जाता है। और बब्रुवाहन अर्जुन के पुत्र की यह राजधानी थी। अब अगला जो काल है वो है महाजनपद काल। इस काल में मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे पूरे भारत में। इनमें से कुछ जनपद का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ से था। ठीक है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से छत्तीसगढ़ से सबका संबंध था। दो कुछ कुछ का संबंध था, उसमें से एक दो ही मैं आपको बताऊंगा। पहला है चेदी महाजनपद, यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए, ठीक है, डॉक्टर हरिलाल के अनुसार छत्तीसगढ़ का नामकरण संभवतः चेदीसगढ़ का ही अपभ्रंश है, मतलब कालांतर में चेदीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ हो गया। जी वी पेलगर के अनुसार पुरातत्वविद ये थे, ठीक है, पुरातत्वविद जी वी पेलगर के अनुसार जरासंघ के अत्याचार से पीड़ित होकर मगध महाजनपद के राजा छत्तीसगढ़ बनाकर बसे और कालांतर में यही छत्तीसगढ़ कहलाया। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग मान्यता है। अब अगला है बौद्ध काल। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध 3 माह के लिए दक्षिण कौशल की यात्रा में सिरपुर आए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। तो ये क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध कहाँ पे आए थे, सिरपुर। सन 639 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। तो वेनसांग के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 629 ईस्वी में ये भारत आए थे और इसके 10 साल बाद 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 629 था या 639 था, पहले भारत फिर यात्रा करते 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 ये छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, उस समय यहाँ के शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का शासन था और इनके पिता का नाम था हर्षगुप्त। कब, 639 ईस्वी में, जब वेनसांग छत्तीसगढ़ आए। और जब भारत आए थे तो ये हर्ष याद रखिएगा, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिता का नाम थे। वेनसांग जब भारत आए 629 ईस्वी में, उस समय हर्षवर्धन का काल था। तो ये जो हर्ष है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और भारत इन दोनों में आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भारत में जब आए थे तो हर्षवर्धन का काल था और जब छत्तीसगढ़ आया तो हर्षगुप्त के पुत्र महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का काल था। और इस काल को, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल को, इन्होंने छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल बताया था। उन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। तो ये जो दो दो जगह है वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन जगह ये आए थे, सिरपुर और मल्हार। कौन, वेनसांग। और गौतम बुद्ध कहाँ आए थे, सिरपुर में आए थे। वेनसांग की रचना सीयुकी में छत्तीसगढ़ को कियास्लो कहा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने सिरपुर में बौद्ध स्तूप भी बनाए थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य भी हम कुछ देख लेते हैं। भगवती सूत्र ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है। जैन धर्म के भगवती सूत्र के अनुसार कोसल एक जनपद था जिसके दो भाग थे, उत्तर कोसल एवं जनपद कोसल। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित था। भगवती सूत्र जैन धर्म से, और अवदान शतक जो था वो बौद्ध धर्म से।
भरत मुनि ने नाट्यशाला की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में किया था। जोगीमारा में अभिनय कला के कई संकेत मिले हैं और कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना भी की थी। तो कुछ दो तीन पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये पूरा क्लास ज्वाइन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये दो ही वीडियो आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।